अपना अनुभव मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति नीम करोली बाबा का भक्त बन गया, उसका सबसे पहला काम वो इकोनॉमिक सुधार देते हैं, आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। वो पड़े रहिए, उनके राम उनके नाम का जप करते रहिए, जय श्री राम उनके लिए करते रहिए, सीताराम करते रहिए, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम करते रहिए। वो ऐसी स्थिति बना देंगे कि इकोनॉमिक सुधर जाए। कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान, जय सियाराम, जय श्री राम, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस वक्त बाबा नीम करोल जी के सामने हम लोग उपस्थित हैं और हमारे सामने पंडित अरविंद पांडे जी उपस्थित हैं। बाबा नीम करोड़ी के बारे में क्या कहना, बाबा नीम करोड़ी हनुमान जी के साक्षात अवतार कहे जाते हैं और बाबा नीम करोड़ी का कोई एक बार अगर दर्शन कर ले, उनके आश्रम में चले जाए, कैंची धाम में या फिर वृंदावन में, और इस वक्त तो हम लोग इंदिरापुरम गाज़ियाबाद के ज्ञानखंड 4 के इस मंदिर में, बालाजी के मंदिर में बैठे हैं और यहाँ भी बाबा नीम करोड़ी जी विराजमान हैं। आज बाबा की महिमा जानेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी, चूँकि पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी और बातों के क्रम में बाबा नीम करोड़ी जी का जिक्र आपने किया था, उसके बाद लोगों की काफ़ी जिज्ञासा हुई कि बाबा नीम करोड़ी जी इस मंदिर में कैसे विराजे, इसके पीछे कोई प्रेरणा मिली, कुछ ऐसी घटना घटी, वजह क्या रही, ये लोग जानना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहें। देखिए, पूर्णतया डेट हमें नहीं याद है, पर 9 सितंबर हो या 6 या 9 के आसपास की कोई डेट रही थी। ये 2012 में, आज की कहानी नहीं है, 6 सितंबर हो या 9 सितंबर हो, महीना सितंबर था, ईस्वी सन 2012 था। सुबह के 3:30 बजे मंदिर खोलने के बाद मैं पूजन कर रहा था तो हमें छोटे से लड़के के दर्शन हुए। छोटा सा लड़का था, तकरीबन 14-15 की उम्र रही होगी, कोपीन पहने हुए थे, गेरुआ वस्त्र जो कोपीन कहलाता है, चमक उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया चमक की थी। अच्छा, मूछ बिल्कुल नदारत, दाढ़ी थोड़े से थे, मूछ सिर्फ काला ही दिख रहा था और मनुष्य रूप में थे, किशोर वय, किशोरावस्था का पहला स्टेज कह लीजिए, किशोरावस्था का द्वितीय स्टेज नहीं। और उस स्थिति में हमने देखा, एक संत को मैंने देखा, दंड कमंडल दोनों हाथ में थे। दंड उसको बोलते हैं जिस पे हाथ लगा करके ऋषि मुनि जप किया करते हैं। कमंडल जलपात्र है, इतना तो आपको भी पता है। वो कुछ कहना चाह रहे थे हमें, है ना, जो हम समझ नहीं पाए या उनकी भाषा हम नहीं समझ पाए।
इसमें एक भ्रम हुआ। बाबा का सबसे पहला काम है पहले स्टेज में भ्रम उत्पन्न कर दें, पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। भ्रम हुआ कि मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध नहीं हूँ, कि मुझे कोई दिव्य शक्ति दर्शन देने आ गई है, ये नींद का कमाल है। फिर मैं उठा, मुँह कान धोया और आया वहाँ बैठा। अब की बार में, दूसरी बार में जो दूरी थी वो घट गई, और यह फिर उसी रूप में बट वो मूर्त रूप थी। पहले वाले में आदमी के रूप में थे, दूसरी बार में मूर्त के रूप में हो गए पत्थर की, बट स्थिति सेम थी, एक ही तरह की थी। उस दिव्य अनुभूति हो रही थी कि ये मूर्त ही बाबा हैं या बाबा ही मूर्त हैं जी, है ना। उस दिन सिर्फ हमें इतना ही समझ में आया कि ताला बंद करा था हनुमान जी के मंदिर में और चाबी नहीं दिया था। इस मंदिर की चाबी एक हनुमान जी के पास होती है। अच्छा, यूँ आदमी बताता नहीं है जो कहाँ पे होता है, नहीं चोर खोल के चोरी कर ले जाएं, लेकिन एक चाबी हनुमान जी के पास होती है। उसमें इतनी ही हमें समझ में आया कि कह रहे थे कि ताला बंद करता है चाबी नहीं देता, तो ताले की चाबी देनी पड़ती है भैया आपको, जब निकलना हो खोल दीजिए, है ना। बाद की घटनाक्रम है कि मैं करौली जी महाराज को अभी तक नाम से या पहचान से नहीं जानता था, सिर्फ एक घटना बताई जा। उसके बाद 5 साल बाद 17 ईस्वी में एक नौजवान आया यहाँ, कहा कि भैया इस मंदिर में हम सहयोग करना चाहते हैं, बट हमारी एक शर्त रहेगी कि हमारे मान्य गुरुवर का एक प्रतिमा यहाँ लगेगा। अच्छा, मतलब बाबा नीम किरोड़ी जी, करौली जी महाराज का, वो कैंची धाम जाता आता था, अच्छा खासा उसका व्यापार है, अच्छी खासी व्यवस्था है उसकी। उस लड़के ने कही कि भाई मैं इस मंदिर के बढ़िया निर्माण में सहयोग करूंगा, और बट हमारे गुरुवर की एक प्रतिमा लगनी चाहिए। अभी भी ये माया हमारे सिर से उतरा नहीं था। हमने कहा ठीक है भैया, गुरुवर की प्रतिमा आप लगा लेना, पहले मंदिर तो बने, बढ़िया तो बने। मंदिर बना, प्रतिमा वो ले आया, हना जन नॉर्मल वे में सामान्य तौर पर जो गुरु गए हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि उसने गुरुवर का नाम लिया और वो गुरु जा चुके हैं, समाधि लगा चुके हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा कोई बहुत मायने नहीं रखता था, वो खुद ही वहाँ आ जाएंगे ना। अगर गुरु सक्षम हुए तो वो खुद आ जाएंगे, उस प्रतिमा में विराजमान हो जाएंगे, और वो मतलब ये जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना, वो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें सारी पूजन होगी, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे। जिस तरह से शालिग्राम के प्रतिमा विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा ज़रूरी नहीं है, उसी गुरु स्वयं सक्षम है, हाँ स्वयं सक्षम है, आ जाएंगे। इस सिद्धांत पर जो भी हुआ, स्नान वगैरह कराया गया गुरुजी के प्रतिमा का, बाकी सारी व्यवस्था हुई और पूजन शुरू हो गया। ये पूजन उन्होंने 15 जून शायद बाबा के जन्मदिन पर ही करा था, या हाँ 15 जून 2018 को उन्होंने यहाँ प्रतिष्ठित कर दी। 2-4 महीने बाद बाबा यहाँ दिखने लगे, ये तो नहीं बता सकता कि किस तरह से दिखते हैं, है ना। पर पहली स्टेज में जो दिखे वो बालक वाले रूप में ही थे, उसी रूप में थे। अब तो ये कंबल ओढ़े हुए प्रतिमा दिखता है जी,
है ना। और परोली जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति हैं जो ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा था, कई बार कहा है कि जेई जानऊ जानई जेई देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। वो ब्रह्म तत्व का भेदन कर चुके थे या स्वयं ब्रह्म थे, दोनों सक्षम, दोनों चीज़ें सही हैं। या तो ब्रह्म तत्व का भेदन करके ब्रह्म शक्ति से विलीन हो चुके थे और उस चीज़ का उन्होंने आत्मसात कर लिया, ब्रह्म शक्ति को ही आत्मसात कर लिए थे, या फिर स्वयं ब्रह्म थे, दोनों ही सत्य है। जी जी, दोनों ही सत्य है, पर इस पर अभी विद्वान या इतनी व्यापकता नहीं है। अवतार हनुमान जी के तो माने जाते हैं, पर ब्रह्म तत्व ब्रह्म के अवतार हैं ये अभी कहीं घोषणा हुई नहीं है, अगर होती है तो स्वागत जो। और बाबा नीम किरोड़ी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य जहाँ तहाँ देखने को मिलता है, आप उनके आश्रमों में जाएं, कि मैं शिष्य नहीं भक्त बनाता हूँ। बाबा नीम किरोड़ी अक्सर ये बातें दोहराते थे और इसका लोगों ने तात्पर्य ये निकाला कि उनको ब्रह्ममय माना, जिनके कहने के तात्पर्य ये था कि मैं शिष्य नहीं मैं भक्त बनाता हूँ। तो ये वही ब्रह्म शक्ति या फिर ब्रह्म से जिसका साक्षात्कार हो चुका है वही शक्ति मिल जाने के बाद एकाकार हो जाते हैं ना। ये भी तो है कि अगर आदमी ब्रह्म का दर्शन कर ले, प्रभु का दर्शन कर ले या ईश्वर का दर्शन कर ले तो फिर ब्रह्ममय हो जाता है, उसमें अंतर मिट जाता है। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि बाबा का जो पूरा जीवन है जो हम देखते हैं सुनते हैं पुस्तकों में पढ़ते हैं उनके आश्रमों में जाने के बाद, ये जो आपने कही ना कि मैं भक्त बनाता हूँ शिष्य नहीं बनाता, ये बहुत सत्य है। इनके चेले इनका दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन इनके भक्त इनका दर्शन करते हैं जाने के बाद भी। शायद 70 में गए हैं ना, 70 में धरती छोड़ा है इन्होंने, पर 70 से पहले जितना दर्शन करके और आनंद नहीं दिए उतना अब दर्शन में आनंद देते हैं और अब की स्थिति ज़्यादा बेहतर। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं कथाएं मिलती हैं कि अपने मतलब जिस समय देह लीला का समापन नहीं किया था बाबा ने, और कुछ अपने भक्तों को जिन बातों के बारे में बताया था, जो वचन दिया था, बाद में भी आकर के वो पूरा कर देते हैं, इस तरह की बातें भी सुनने देखने को मिलती हैं। और आपका कोई अपना अनुभव, चूँकि बाबा भी यहाँ पे विराजमान हैं और आपकी बातों से जब भी मेरी बातचीत हुई, आपसे चर्चा हुई और आपके पूरे भाव को देखकर लगता है कि आप बाबा के प्रति काफ़ी अनुरक्त भाव है आपका, काफ़ी उनके प्रति भक्ति भाव है, कुछ आपका अपना अनुभव। आपने पीछे भी कहा था कि अगर कोई बाबा का नाम ले तो 4 घंटे में उसके सारे काम हो जाते हैं। बहुत है, उस दिन भी कहा था मैंने कि बहुत है, 4 घंटा करौली जी महाराज के लिए बहुत है। 4 घंटे से पहले काम आपका निष्पादित करके दे देंगे, वो काम होने वाला होगा, उनकी इच्छा होगी कर देने की, वो 4 घंटे से कम में करके दे देंगे। ये ले वे बच्चा अपना ऋतु परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए कई जगह कई पॉइंट ऐसे आए हैं जहाँ पे ये ब्रह्ममय नहीं ब्रह्म ही दिखते हैं। जैसे कि गर्मी के दिन में जाड़ा उत्पन्न कर देना, बारिश हो रही है तो बारिश को रोक देना, हवा के रुख को बदल देना, कहीं पछिया हवा चल रहा तो है पूर्वा बहा देना, और उतने दूर के लिए पूरे प्रकृति में तो पूर्व पछिया ही चल रहा है, कुछ जगह की सुरक्षा के लिए वो उन्होंने पूर्वा से पछिया से पूर्वा में कन्वर्ट कर डाला। तो अग्नि पर इनका खुद पकड़ था। अब पंच महाभूत में अग्नि भी है, अग्नि पर पकड़ था, बारिश पे पकड़ था, ऋतु पे पकड़ था, जाड़े में भी गर्मी है, गर्मी में भी जाड़ा लगा सकते थे, है ना। भक्तों के विश्वास यानी भक्तों की भक्ति के आधार पर ये उसकी सुरक्षा हजार हजार किलोमीटर दूर जा कर के कर देते थे। तो ये ब्रह्म तत्व ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता।
दूसरा कोई नहीं कर। और बाबा नीम किरोड़ी के जितने भी भक्तों से हमारी बातें हुई हैं और उन सबों ने एक सुर से कहा भी है कि जब से वो बाबा नीम किरोड़ी का उन्होंने दर्शन किया, उनके प्रति आस्था जगी, विश्वास जगा, उसके बाद से उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। जो सांसारिक लोग हैं, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जो देखिए, अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ, जो व्यक्ति नीम करोली बाबा का भक्त बन गया, उसका सबसे पहला काम वो इकोनॉमिक सुधार देते हैं, आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। वो पढ़े रहिए, उनके राम उनके नाम का जप करते रहिए, जय श्री राम उनके लिए करते रहिए, सीता राम करते रहिए, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम करते रहिए। वो ऐसी स्थिति बना देंगे कि इकोनॉमिक सुधर जाएगा, है ना। और कुछ अंश में अपने साम्राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा वाली भी स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं अपने अपने जिस मैंने वो अपने जानने वाले को, चूँकि बहुत ज़्यादा अपने रहस्य को किसी को इन्होंने बताया नहीं। एक बार उनकी कहानियाँ पढ़ने से लगता है कि किसी मोड़ पर ये कहे थे कि अब सारी चीज़ें इस मनुष्य के आगे खोल के रख दीजिएगा ना, तो आपकी बाल बाल नोच करके जंतर बना लेंगे। तावीज बना देंगे रोम रोम उखाड़ करके। तो साथ में रहने वाले भी लोग उनको मानव ही समझते रहे, जबकि वो दिव्य मानव भी थे, तो दिव्य मानव थे, या स्वयं हनुमान जी थे। अनुभव बहुत इसमें मायने रखता है। जी। इकोनॉमिक सुधार देते हैं शारीरिक स्थिति पर, उसके लिए भगवान उनके प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। गुरु रूप में समर्पित हो जाइए, इष्ट रूप में समर्पित हो जाइए, भगवान मान लीजिए, है ना। क्योंकि दूसरी कड़ी पे भगवान पीछे जरूर हैं उनके, ये बात एकदम। अच्छा पंडित जी, एक जिज्ञासा और भी रहती है लोगों की, हमारे मन में भी, कि कई बार ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति तो पहले क्रिया पक्ष से शुरुआत होती है, हम क्रियात्मक रूप से लगते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भाव पक्ष हमारा धीरे धीरे जगना शुरू होता है, और उसके बाद तो क्या बाबा नीम करोड़ी जी के प्रति भी अगर श्रद्धा भक्ति किसी को बढ़ानी हो तो क्या क्रियात्मक पक्ष से शुरुआत करें या कैसे करें? देखिए, बाबा को मालपुए पसंद थे, मालपुआ तुलसी के पत्ता से भोग जरूर लगाएं, स्नान कराएं, चरणोदक तो जरूर ही लें, मूरत कहीं रखे हो, बाबा की मूरत कहीं हो तो चरण धो करके रोज पिए, पहली क्रिया यही हो गई। मूर्ति की स्नान वगैरह कराएं तो उस जल से स्वयं भी स्नान कर लें, उठा करके थोड़ा सा छिड़क लें, वस्त्र जनेऊ चेंज कर दें, बदल दें बाबा की, है ना। और जितनी श्रद्धा से आप उनको मालपुआ रोट लड्डू मीठी सामान पवित्र ढंग से बनाएं, भोग लगाएं, पहली क्रियात्मक भक्ति यही है, चंदन वंदन करके और लगाएं। पर इस दोहे को जरूर समझिए, जय जान जय देहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, उनको याद कीजिए, वो आपको खोज लेंगे, उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वही खुद खोज लेंगे आप। जब बाबा नीम किरोड़ी चाहेंगे तभी आप उनको जान पाएंगे, और जैसे ही आप जान पाएंगे तो आप वैसे ही हो जाएंगे, वो तो नहीं होंगे। आपने एक बार बताया था कि व्यक्ति वो तो नहीं हो सकता, जीव का भी ब्रह्म नहीं हो सकता, लेकिन उसके जैसा ये हो सकता है। अच्छा पंडित जी, हमने देखा बाबा के सामने सौंफ है, कुछ मिश्री है, इसका भी कुछ विधान है क्या कि भाव है आपका? कुछ तो चाहिए भावना भाई हमारी। अच्छा, भाव है जो भाव में आया आपने यहाँ पे अर्पित किया बाबा को। और सबसे बड़ा भाव है कि जो भी आप ग्रहण करें आप अपने इष्ट को पहले अर्पित करते चलें, ये तो यही। हाँ, हर चीज़ बताइए उनको, आज कितनी कमाए कितनी गंवाए वो भी बता दीजिए, जो बाबा इतनी कमाए हैं इतनी गंवाए हैं, है ना, लेखा जोखा पूरा दीजिए। जी जी जी,
गलती भी हो गई है तो बताइए कि हमसे ये गलती हो गई है और हमने ये गलत काम करा है। गुरु से कोई चीज़ छुप नहीं सकता, वो जानता हर चीज़ है। और माफ़ी देने का अधिकार ईश्वर से ज़्यादा गुरु को है। वो गुरु ने अगर माफ़ी दे दी तो प्रभु आपकी सजा नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल गांठ मान करके रख ले कि अगर कोई भी गुरु दिल से आपकी माफ़ी दे दी तो ईश्वर आपको पहले माफ़ कर देंगे, आप सजा के पात्र नहीं होंगे। करौली जी महाराज का है कि चार खाने कंबल, हालांकि ये तो प्लेन कंबल है, चादर है, चार खाने कंबल का एक कोना नीचे जमीन से सटता हुआ और दूसरा कोना कंधे पे, इस रूप में जहाँ भी दिख रहे हैं वहाँ उनका पूजन पाठ ठीक ठाक होनी चाहिए, वहाँ वो विराजमान है या घूम रहे हैं। कंबल वाले बाबा के नाम से काफ़ी चार खाने वाली कंबल जो है वो बहुत उस रूप में दिव्य रूप में दिखते हैं, है ना। और ये चेष्टा आप अपने को उनसे लगा के देखिए, वो दिखेंगे ही दिखेंगे। यो हमारे को लोग कहेगा कि भैया ये देख रखा है, तो भक्ति पूर्वक निवेदन है कि ये दोनों आंखें देख रखी हैं। ये 100% सच है कि आप याद करके देखिए, आपको भी दिख जाएंगे। जी, है ना। कभी लगेगा जे घर के इस साइड से निकले और इस साइड चले गए, मंदिर में हैं तो लगेगा जे गेट से आए, अंदर तो गए बाहर ही नहीं गए, है ना। हर मंदिरों में एक बेड होता है जो रात में खाली रहता है, करीब करीब हर मंदिर में एक बेड होता है जिस पर पूजन पाठ तो होता है, कोई सोता नहीं है, रात में वो खाली रहता है, पंखे वंखे रहते हैं वहाँ। कभी तो लगेगा जब उस बेड पर से उठ कर के आए, प्रतिमा के पास आके खड़े हो गए, प्रतिमा से बेड जाते तो नहीं देखता है आदमी, बेड से प्रतिमा आते देखता है, है ना। ये क्रिया अपोजिट नहीं होती है, मुहूर्त से बेड पर जाते हमने ना देखी कभी, बेड से पर मुहूर्त तक आते देखी है। और वो कंबल लटकता हुआ जमीन से सटता हुआ ये कोना जो है ना, वो बड़ा मायने का फोटो है, उनका रूप है वो। नहीं तो बिल्कुल बाय किशोर वाली हल्की दाढ़ी, कद बड़ा नहीं होता, कद छोटे कद के ही शायद रहे भी होंगे, छोटे कद के ही दिखते हैं, बहुत लंबे चौड़े इंसान नहीं दिखते। जी, छोटे कद के दिखते। यानी बाबा नीम किरोड़ी की महिमा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और काफ़ी कुछ बाबा के बारे में जानने सुनने को मिलता है। और जो भी बाबा के भक्त हैं उनको उनका जी भरता भी नहीं, वो तो लगातार चाहते हैं। नहीं, आप अब थोड़ी सी व्यापकता बता देता हूँ। अगर आप दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं तब भी दिख जाएंगे, ये शंकर जी की कर रहे हैं तब भी दिख जाएंगे, गुरु मान करके या इष्ट मान करके आप उनके शरण में रहिए दिख जाएंगे, राम जी की कर रहे हैं तब भी दिख जाएंगे। यानी शिव शक्ति वैष्णव किसी भी रूप में अगर आप उपासना कर रहे हैं तो करौली जी महाराज दिख जाएंगे, वो कहीं भी। भक्ति मार्ग में आप वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त उपासना पद्धति से उपासना कर रहे हैं, इसकी सीमा नहीं है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक थे जी, बट हनुमान जी से मिले थे, हनुमान जी उनसे मिले थे, उपासना उन्होंने उम्र काली की भक्ति करी, काली जी की करी थी, और हनुमान जी से साक्षात दर्शन हनुमान जी से हुए। तो ब्रह्म जो अनेक रूपों में दिख रहे हैं, ईश्वर जो अनेक रूपों में विद्यमान होकर के, आप इसमें सबसे सटीका व्यवस्था जो है ना, हम तरह तरह के रूप में अनेक रूप में दिखने का,
गीता में कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे जहाँ जिस रूप में याद करोगे मैं तुम्हारे सारे कार्यों का निष्पादन कर दूंगा उस रूप में आकर के, है ना। उसमें भी ये रहस्य जो है ना खुल के आया है कि जहाँ जिस रूप में आप उपासना कर रहे हैं उसमें चेंज ना करें, वो करते रहें। काली की उपासना कर रहे हैं, करते रहिए। शंकर जी की कर रहे हैं, करते रहिए। न काली भी अलग हैं, न शंकर जी अलग हैं। ये ब्रह्म शक्ति एक ही है, एक ही हर जगह विद्यमान हो है, और उनकी इच्छा अनुसार वो आपको जिस रूप में पता चला दर्शन दे दिया, है ना। और करौली जी महाराज के लिए गीता का एक श्लोक है, वो मैं बोलना चाहूँगा। जी जी, इन पे बड़ा लागू होता है। सर्वधर्मान परितज्य मामे कम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ करके शरण में चले जाइए, क्रिया उनकी है, करके वो देंगे ना। इतनी लग जाइए कि वो करके तो देंगे ही देंगे। जी जी जी, कर्ता रूप में करके दिखा देंगे, इतनी सामर्थ्य है। और तो पंडित जी, आगे भी हम लोग बाबा नीम किरोड़ी जी की महिमा, ये तो पूरी महिमा शब्द जो है ना, महिमा मन का गुणगान करते करते जीवन कम पड़ जाएगा। उनके कला बहुत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सक्षम है, कुछ भी कर सकते हैं, जाने के बाद भी कर सकते हैं। सहस बदन तो भरो जस गावे, हसके श्रीपति कंठ लगावे। और जितनी तेज हनुमान बाबा के लिए कही गई है उससे 100 गुना फास्ट करौली बाबा के हिसाब किताब है, वो कर देते हैं तुरंत। जी जी जी, चलिए पंडित जी, बहुत बहुत जय श्री राम, जय गुरु जी।